फेल हो गया, कोई अब साथ नहीं दे रहा है, मरने का मन कर रहा है, सुसाइड कर लूँ। अबे सुन, तुझे जो करना है वो कर, पहले मेरी बात सुन ले। फेल होने के बाद पहला प्रश्न तेरे दिमाग में क्या आया कि पापा मम्मी क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा? पर तुझे ये दिमाग में नहीं लाना। हाँ, तुझे ये नहीं सोचना कि पेरेंट्स और पब्लिक क्या सोच रही हैगी। इसके बदले तुझे ये सोचना है कि नेक्स्ट एग्जाम में 100 out of 100 कैसे लाने हैं, कैसे खुद को टॉपर बनाना है। अब तुझे सिर्फ सक्सेस के लिए नहीं पढ़ना है, बल्कि ये सोचकर पढ़ना है कि लोग तेरे ऊपर कितना हंसते हैं, पीठ पीछे कितनी बेइज्जती करते हैं। तुझे उनका मुंह बंद करना है, पढ़ना है। सुन, तू फेल हो गया ना, किसी को तेरे ऊपर भरोसा नहीं है ना, पर मुझे है। मेरे भाई, तू कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुआ है। आई नो तेरे एक साल बर्बाद हो गया, पर यही तेरी सफलता की चाबी है, किस्मत बदलने की चाबी है। तू आज से अभी से पढ़ेगा, वादा कर खुद से। अब इस साल टॉपर आकर तू एक नई पहचान बनाएगा, मुझे तेरे ऊपर भरोसा है। सुन, जब तू बाइक चलाना सीख रहा था तब तू गिरा नहीं क्या? गिरा ना, पर गिरने से तू बाइक सीखना तो नहीं छोड़ा ना? चोट भी लगी, पर चोट पर ध्यान ना देकर तू बाइक सीखता गया। तूने फिर से नेक्स्ट ट्राई किया और फिर सीख गया। वैसे ही सफलता पाने से पहले तू लाखों बार गिरेगा और अंत में कुछ बड़ा करेगा। सुन, कुछ समय बाद कोई तुझसे नहीं पूछेगा तेरे मार्क्स और परसेंटेज कितने आए थे, सब ये देखेंगे कि तू करता क्या है, तू कितना सफल इंसान है। कोई भी सक्सेसफुल इंसान इसलिए सक्सेसफुल नहीं होता कि उसके मार्क्स अच्छे आए थे या वो कभी फेल नहीं हुआ। अरे नहीं, इंसान सक्सेसफुल होता है वो हार ना मानने वाले ईगो से, वो हार ना मानने वाले एटीट्यूड से। सुन दोस्त, अभी तेरा दिल टूटा है, तुझे बुरा लग रहा है और लगना भी चाहिए, पर हार के बाद ही बड़ी जीत मिलती है। जो हो गया वो हो गया, अब आगे बढ़, अपनी जीत की योजना बना और फिर आगे बढ़। कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे भाई, तू फेल हुआ है, अब तू कुछ बड़ा करेगा।